WWE रेसलर्स और फैंस के बीच हुई बातचीत बहुत मजेदार है। WWE चैंपियनशिप को जॉन सीना से रेसलमेनिया 26 में हारने के बाद बैटिस्टा गुस्से से भरे हुए थे। इसके कारण आगे कई सारे मैच की सीरीज हुई, जिसमें से एक मैच एक्सट्रीम रूल्स में हुआ। दी एनिमल ने सीना को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और फैंस, खासतौर पे युवा फैंस, इससे बिल्कुल खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि ये बात बैटिस्टा को भी पता चले। बच्चे का ऐसा बोलना और ज्यादा मजेदार तब हो जाता है जब हम पहले ही देख चुके हैं कि बड़ी उम्र के फैंस बैटिस्टा के सामने क्या क्या करते हैं। रेसलमेनिया 26 की तरफ बढ़ते हुए हफ्तों में बैटिस्टा कोफी किंगस्टन से भिड़े और जमैकन सेंसेशन को बुरी तरह से मारा। जब वो जाने लगे तो वो एक फैन की तरफ बढ़े और सच में उस आदमी को डरा दिया। आप ही बताइए कैसे कोई ये देखकर अपनी हंसी रोक सकता है। अगर आप ब्रेट हार्ट को जानते हैं तो आपको पता होगा कि अंदर आते ही अपने फैन को अपना चश्मा देना उनके ट्रेडमार्क्स में से एक था। आमतौर पर ये फैन एक बच्चा होता था और ये काफी कूल लगता था। फिर एक बार क्रिश्चियन ने ऐसा ही कुछ करने का फैसला लिया, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। रॉ के एक एपिसोड में रिंग की तरफ आते हुए क्रिश्चियन ने अपना चश्मा आगे बैठे हुए एक छोटे बच्चे को दे दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने इस पर फिर से विचार किया, क्योंकि क्रिश्चियन ने फैसला किया कि वो अपना चश्मा वापस ले लेंगे। इस पर हंसने वालों को भगवान सीधा नर्क ही भेजेगा। दिसंबर 2020 में सेथ रॉलिंस पिता बने जब उन्हें और उनकी पत्नी बेकी लिंच को बेटी हुई, जिसका नाम रू था। कुछ समय बाद रॉलिंस डॉल्फ ज़िगलर के साथ बॉबी लैशली और डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ एक टैग टीम मैच खेल रहे थे। जब द मंडे नाइट मसीहा बाहर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे, तब एक फैन ने कुछ ऐसा कहा। दी अंडरटेकर आमतौर पे बहुत गंभीर रहते हैं, लेकिन वो काफी सैवेज जवाब भी दे सकते हैं। 2001 में दी अंडरटेकर द हार्डकोर चैंपियन रॉब वैन डैम से भिड़ रहे थे। स्वाभाविक रूप से एक हार्डकोर मैच में मैच शुरू होने के कुछ ही समय बाद दोनों ने रिंग को छोड़ दिया और टेकर और वैन डैम ने हर तरफ जाकर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। कुछ RVD फैंस ने अपने हीरो का प्रोत्साहन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंडरटेकर के पास इसका काफी शानदार जवाब था। अंडरटेकर के पास फैंस के लिए सिर्फ यही एक मजेदार जवाब नहीं था। रॉ के एक एपिसोड में टेकर रिक फ्लेयर के सामने अपनी बात रखने आए। जब डेड मैन बात कर रहे थे, तब फैंस उन्हें चिल्लाकर व्हाट बोल रहे थे। द फीनम इस बात से थोड़े चिढ़ रहे थे और फिर उन्होंने ये बोलने का फैसला लिया। दो 2012 में डेनियल ब्राइन अपने नो नारे वाले दौर में थे और वो बहुत नाराज होते थे जब भी कोई फैन उनका पुराना यस चिल्लाने वाला नारा लगाता था। मामला तब काफी गंभीर हो गया जब डेनियल ब्राइन ने स्मैकडाउन में एक मैच जीता। आगे बैठा एक फैन यस चिल्ला रहा था, जिसने ब्राइन को मजबूर कर दिया कि वो उस आदमी के चेहरे के सामने जाकर नो चिल्लाएं। अगर फैंस को जवाब देने की बात की जाए तो केविन ओवेंस इसके मास्टर कहे जाएंगे। सेथ रॉलिंस को रॉ में पीटने के दौरान एक फैन ने KO पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया और केविन ने ये जवाब दिया। एक और बार ऐसा हुआ कि केविन ओवेंस ने एक फैन को करारा जवाब दिया और ये इतना मजेदार था कि इसके कारण कोई अपने किरदार से बाहर आ गया। रोमन रेंस से टीवी पर ना आने वाले WWE शो में फाइट करते हुए KO ने रेंस को हेडलॉक में जकड़ लिया। तभी एक फैन कुछ बकवास कर रहा था और ओवेंस को जवाब देने का एक मौका दिखा। रोमन रेंस अपनी हंसी नहीं रोक सके और उन्हें अपने चेहरे को छुपाना पड़ा, जिससे कि लोग उन्हें अपना कैरेक्टर छोड़ते हुए ना देख सके। कई मौकों पर फैंस कुछ ज्यादा ही कर जाते हैं और जिसके लिए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखने के लिए कैसे इन WWE फैंस ने खुद को दिक्कत में कैसे डाल दिया, आप इस वीडियो को देखें।